नमस्कार जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम यहाँ पर मणिपुर से इम्फाल से 10 किलोमीटर आगे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे भारत जोड़ो यात्रा का कैंप लगा हुआ है, न्याय यात्रा का इस बार। और आज दूसरा दिन है, कल जो यात्रा हुई थी तो इम्फाल से करीब 30 किलोमीटर आगे जहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ और एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें खड़गे और राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी के जो गाड़ी थी उसका इनॉग्रेशन किया गया और कल यात्रा की एक फॉर्मल शुरुआत की गई। लेकिन आज जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, ये इम्फाल से हम 9 किलोमीटर आगे हैं, तो ये यात्रा यहाँ से आगे जाएगी और आज ये यात्रा दूसरे स्टेट में जाने वाली है। तो ये दो एक दिन का प्रवास था यहाँ पर। तो कल जो मुख्य घटनाएं हुई, मैं यहाँ पर जो इमा मार्केट है इम्फाल के अंदर, मणिपुर के अंदर इम्फाल के अंदर इमा मार्केट में मैं जब वहाँ पर गया, तो वहाँ पर सारी की सारी महिलाएं जो बेचने वाली थी वो सारी महिलाओं का मार्केट था। और जितने भी कपड़े की दुकानें थी, सब्जी की दुकानें थी, जितने भी दूसरे दुकानें थे, तीन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जिसको पूरी तरह से महिलाएं कंट्रोल करती हैं और महिलाएं अपना व्यापार करती हैं। तो उनसे मैंने बात की तो वो बहुत नाराज थे, यहाँ के सरकार के ऊपर बहुत नाराज थे, मणिपुर सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए नहीं, हमारी हालचाल पूछा नहीं, हमारे दुख दर्द को बांटा नहीं उन्होंने और हमको ऐसे ही छोड़ दिया। तो उन्होंने अपनी संघर्ष गाथा भी सुनाई और कैसे यहाँ की महिलाओं ने जब भी क्राइसिस आया है तो आगे आके खड़ी रही है, इसके बारे में भी उन्होंने बात किया। फिर मैंने यहाँ पे जो स्थानिक लोगों से बात किया, जो क्योंकि शाम को यहाँ पर शाम जल्दी हो जाती है, 5:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। तो जब मैंने शाम को यहाँ के लोगों से बात किया, क्योंकि मैं घूम रहा था 7 बजे, तो सारी की सारी दुकानें बंद थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये दुकानें क्यों बंद थी, वहाँ के स्थानिक लोगों से पूछा, तो उनका कहना था कि पहले मणिपुर का इम्फाल शहर रात के 12 बजे तक खुला रहता था, लेकिन अभी ये 7 बजे बंद हो जाता है। तो ये पूरा जो जब से 9 महीने से जो यहाँ क्राइसिस हुए हैं उसकी वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा जानबूझकर कुकी और मेथी को लड़ाया जा रहा है, ये पूरा मोदी और सबसे बड़ी इसमें जो भूमिका है वो अमित शाह की है, अमित शाह के खिलाफ भी लोग काफ़ी नाराज थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो दोनों के बीच में नफरत जानबूझकर फैलाई गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मणिपुर में मिनरल्स हैं, मणिपुर में पूरा उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए ये लड़ाकर आफत में नफरत फैलाकर इस पूरी भूमि को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जितने हिल हैं उनको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इस तरह का उनका कहना था। तो ये यात्रा की आज शुरुआत हो रही है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे दुकानों पर, सब जगह पर ज़्यादा महिलाएं रहती हैं, ओनर महिलाएं रहती है। अभी हम रास्ते में ढाबे में हमने नाश्ता भी किया तो वहाँ पर पूरी महिलाएं, दो एक बड़ी महिला थी, एक छोटी महिला थी, शायद वो उसकी दो बेटियाँ थी, वही पूरा वो रेस्टोरेंट चला रहे थे। तो इस तरह का है। और ये पूरा बहुत रात को ठंड थी, हम बस में सोए क्योंकि सोने की जगह नहीं थी, और जो पीसीसी ऑफिस था मणिपुर का वो भी इतना भर गया था कि वहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थी, तो इसलिए ये है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता थे वो ये टेंट में, जो उन्होंने स्पेशल गाड़ियाँ बनाई हैं उसमें ही वो रहे। और वो तो हम बस में अभी यहाँ आए हैं, बस में ही सोए थे। तो हमारे साथ एक तमिलनाडु के साथी प्रकाश थे, महाराष्ट्र के किशोर थे, तो ये हम उनके तीनों हम लोग बस में ही सोए। तो ऐसे बहुत पूरे देश से यात्री आए हैं। तो मैंने जब देखा यहाँ पर कि भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही कठिन परिस्थिति में जो इंटरस्टेट यात्री पूरी यात्रा में चले थे, उसमें से कई यात्री वापस से आए हैं, वापस से उन्होंने हिम्मत जुटाई है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो हम ये यात्रा में बने रहेंगे। तो ये जज्बा यात्रा के साथ रहने का नीचे के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा है, नीचे के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको भी समाहित करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, उनमें भी अपनापन दिखाने का काम करना चाहिए। तो ये जरूर दिखाया जाएगा ऐसे लगता है। और ये
लोगों से जुड़ने का। तो पिछली तो पद यात्रा थी, लेकिन ये वाहन यात्रा में लोग कितना जुड़ पाते हैं ये देखना है, क्योंकि कल की जो सभा हुई तो वो सभा में पूरे लोगों को अलग अलग जिलों से, मणिपुर के अलग अलग जिलों से बस में लेके आया गया था और बस में लाकर वो सभा की गई थी। तो आम लोग अभी कितना इससे जुड़ते हैं, नेचुरली क्यों कितना जुड़ते हैं और उनको कितना जुड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि ये हिली एरिया है, बहुत कम डेंसिटी है, तो बहुत और इस तरह की यात्रा में शायद लोगों को मोबिलाइज ही किया जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं और लगातार हम लोगों से बात करेंगे। कांग्रेस की तो सभाएं होती रहेंगी, वो आपको अलग अलग चैनल पे देखने को मिलेगा, कांग्रेस के खुद के चैनल उसको दिखाएंगे, लेकिन हम लोगों की बात पूरी ये यात्रा में दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं मुंबई से मणिपुर आ चुका हूँ और ये 66 डे आपके साथ रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि रोज सुबह आपको एक मणिपुर और ये पूरी यात्रा की, मणिपुर टू मुंबई यात्रा की एक डायरी प्रेजेंट करने का। तो आप बने रहिए जनता का आईना से, तो हम पूरी रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। तो देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।